हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन ऑन योर ओन ब्लॉग राइड अप देवन जी। तो आज अभी बज रहा है रात का 9:30 हो रहा होगा, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे इतनी रात में मैं यहाँ कहाँ आया हूँ एक लैंप पोस्ट के नीचे। तो आज का जो ब्लॉग है वो तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ गया। हाँ, ये ब्लॉग है जो HJ जी का। थोड़ा सा साउंड आप लोगों को प्लीज़ बियर कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोड का साइड में हूँ। हाँ, तो जो बोल रहा था, आज का जो ब्लॉग है वो है HJG कंपनी का जो मर्सिडीज़ फॉग लाइट होता है, मर्सिडीज़ भी बोलते हैं उसको, वाई लाइट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो उसी का जो परफॉर्मेंस वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसीलिए नाइट में ले आया हूँ क्योंकि दिन में तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसको मैं अपना बाइक में इंस्टॉल किया हूँ और इसका कितना खर्चा आया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मैं करोल बाग में इसको इंस्टॉल किया हूँ और इसका विथ इंस्टॉलेशन जो खर्चा आया है वो है 4,300 रुपीज़, मतलब दोनों फॉग लाइट का बाइक में इंस्टॉलेशन का। उसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, दोनों ऑक्सिलरी लाइट या फॉग लाइट, उसका प्राइस और फिर लेबर चार्ज, और उसके साथ HJG का ही अलग से दो ब्रैकेट आता है जो इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बिना तो इंस्टॉलेशन हो नहीं सकता क्योंकि जो बॉक्स के अंदर जो आता है वो आता है ओनली एक सपोर्टिंग ब्रैकेट, और मेन जो ब्रैकेट है जो आपका चैसिस में लगेगा वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, जिसका प्राइस अराउंड 250-300 के आसपास है। तो ये था प्राइसिंग और जो मैं लगाया हूँ उस लाइट के बारे में। और बाकी चलिए आगे वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये लाइट कैसे काम कर रहा है और यूज़फुल है भी कि नहीं, और ये अपना प्राइस जो है उस प्राइस को जस्टिफाई भी करता है कि नहीं, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए, नेक्स्ट मैं वीडियो में चलता हूँ, स्ट्रेट ऑन बाइक स्टार्ट करेंगे और लाइट का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो इसका फेयरिंग गार्ड है इसका, इस जगह पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए बिल्कुल इस जगह पे राइट साइड में ये है लाइट, और दूसरा लाइट जो है वो यहाँ पे इस साइड में, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे है, और एक बार आप लोगों को मैं इसको जला के भी दिखा देता हूँ तब और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, अभी इसको मैं ऑन किया हूँ तो आप लोगों को और अच्छा से पता चल रहा होगा कि इसका पोजीशन कहाँ पे है। ये यहाँ पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं सीधा फील्ड में, एक कोई डार्क जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं इसका परफॉर्मेंस। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि बाहर चलेंगे और नाइट में किसी अंधेरा जगह पे जाके इसका जो रियल परफॉर्मेंस है, मैं अभी रोड में तो नहीं दिखा सकता परफॉर्मेंस। देखिए, सिटी में तो ये अलाउड नहीं है इसको जलाना, तो दिल्ली में ये मैं अभी जला नहीं सकता, इसलिए एक खुला मैदान में आया हूँ और रात का टाइम है, अंधेरा उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है समझने के लिए कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो चलिए, और ज़्यादा इस अंधेरे में बकबक नहीं करूँगा क्योंकि ठीक से शायद दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ, तो सीधा चलते हैं, बाइक को ऑन करते हैं और उसके बाद आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अभी इग्निशन ऑफ है, इसको ऑन करता हूँ। ये इग्निशन ऑन हो गया, उसके बाद बाइक को करता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट भी हो गया। अब जो है इसका DRL जो है वही चल रहा है और उसी का लाइट आप लोगों को सामने दिख रहा है। ये भी देखा जाए तो ये भी काफ़ी लाइट है, मतलब ड्राइविंग के लिए तो नहीं लेकिन अब अगर कहीं पे स्टैटिक हो तो आसपास का जगह देखने के लिए ये DRL काफ़ी है। अब इसका लो बीम को ऑन करता हूँ। ये इसका लो बीम है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बताया था, जो G310GS का जो स्टॉक हेडलाइट है वो सिटी राइडिंग के लिए बहुत सही है। तो आप लाइट देख के आपको समझ रहा होगा कि लो बीम कितना लाइट कर दिया। देखिए, फिर से ऑफ करता हूँ लो बीम को। ये DRL, ये लो बीम, और ये हो गया इसका हाई बीम। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके बाद मैं ऑन करता हूँ ऑक्सिलरी लाइट, जो HJG का मर्सिडीज़ या वाई लाइट जो भी बोलेंगे,
इसको ऑन करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। ये हो गया, इसका येलो जो लाइट है वो ऑन हो गया। देखिए आप लोगों को दिखता होगा पूरा, ये स्प्रेड लाइट नहीं है, ये स्पॉट लाइट है, जो मुझे एक्चुअली चाहिए था, क्योंकि स्टॉक हेडलाइट का स्प्रेड काफ़ी अच्छा है, तो मुझे जस्ट एक स्पॉट हेडलाइट चाहिए था, जो कि ये बहुत सही दे रहा है। देखिए कितना अच्छा है इसका। अब इसका वाइट ऑन करता हूँ, ये इसका वाइट है। देखिए हेडलाइट को पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं एक्चुअली यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट भी कर लिया हाइट का। अब करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ ऑन हो जाता है, तो अभी मेरा सारे लाइट्स ऑफ है, ऑन है, सॉरी, मेरा स्टॉक लो बीम, हाई बीम, और इसका जो येलो लाइट है वो, उसके साथ वाइट वाला जो लाइट है वो भी। तो देखिए बहुत अच्छा लाइट हो गया है, ये हाईवे राइडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अभी मैं इसका जो स्टॉक लाइट है उसको ऑफ करता हूँ, देखिए डिफरेंस पता चलेगा। मैं हाई बीम को भी ऑफ किया, अभी लो बीम को भी ऑफ कर दिया, देखिए कितना स्पॉट है। अब ये स्पॉट शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा स्पॉट लाइट है ये, है ना मस्त। अब इसको मैं येलो ऑन करता हूँ, देखिए येलो ओनली वाइट, येलो प्लस वाइट। अब इसमें पैटर्न भी है, आप जिस पोजीशन में भी पैटर्न को ऑन कर देंगे वहाँ से फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। मैं येलो में लाता हूँ, देखिए अभी येलो में है, और मैं फ्लैशर को ऑन करता हूँ। ये देखिए ये है इसका फ्लैशिंग मोड, और इसमें एक और पैटर्न है, ये देखिए इसका पैटर्न जो अल्टरनेट ऑन होता है। तो मैं ये जो चीज़ है ये सारे मोड में हो सकता है। देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ और फिर दोनों लाइट एक साथ जलाता हूँ, फिर ये जल गया वाइट एंड येलो। अब मैं फ्लैशर ऑन कर दूंगा तो वाइट एंड येलो के साथ ये फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। पैटर्न चेंज करता हूँ, ये दूसरा पैटर्न आ गया, बंद करता हूँ, ये आ गया, थोड़ा सा प्रेस करके रखूँगा तो दोनों बंद हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ कि इसका जब सारे लाइट्स ऑन होता है तो बाइक का लुक सामने से कैसा आ रहा है विथ फ्लैशिंग के साथ। तो चलिए सामने से देखते हैं। देखिए अभी मैं ओनली येलो ऑन करके रखता हूँ और मेरा लो बीम एंड हाई बीम दोनों ऑन है, तो कुछ ऐसा लग रहा है बाइक। इसके बाद मैं दोनों ऑन करता हूँ इसको। अभी देखिए इसका दोनों जो लाइट है, जो कॉम्बिनेशन है येलो एंड वाइट, वो दोनों ऑन है, और उसके साथ हाई एंड लो बीम वो भी ऑन है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है बाइक। और लाइट भी देखिए बहुत सही है, मतलब मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इसका परफॉर्मेंस से। अब इसका फ्लैशिंग ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं फ्लैशिंग। मैं एक बार येलो में ले जाता हूँ, येलो आ गया, अब इसका फ्लैशिंग ऑन करता हूँ। इसका ये एक पैटर्न है फ्लैशिंग का जो आप देखिए, ये है, और अभी मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ इसका फ्लैशिंग का, ये अल्टरनेट फ्लैश करेगा सेकेंड पैटर्न में। देखिए जो सामने से जो राइड करके आने वाला है गाड़ी, उसका मुंह के तरफ बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सामने खड़ा हूँ बाइक का, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि बाइक को देखने में या उसके पीछे का जो भी है उसको देखने में, क्योंकि मैं फोकस इसका ऐसे ही करके रखा हूँ, लो साइड में है, जो कि होना भी चाहिए। ये जो पैटर्न अभी है ना फ्लैशिंग का, ये बहुत काम आता है जब आप ऐसा कोई रोड में चल रहे हैं जहाँ पे बोथ साइड ट्रैफिक है। ये कुछ साइड से ऐसा दिख रहा है, देखिए फ्लैशर के साथ बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाया कि मैंने बाइक में कौन सा ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल किया और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और इंस्टॉलेशन के बाद वो प्रैक्टिकली नाइट में जो एक अंधेरा जगह है वहाँ पे कैसा लग रहा है। एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है इधर, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है।
कोई बात नहीं। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत जल्दी विद इन 3-4 डेज एक टूर में जाने वाला हूँ, जो मेरा अभी तक प्लान है, और उस प्लान में सही में बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा प्रिपरेशन लगभग उसके लिए पूरा हो चुका है, मैं उसका प्रिपरेशन वीडियो भी इसके बाद एक अपलोड करूँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एक्चुअली वीडियो देख लेते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो मेरा रीच बढ़ेगा और मुझे और कुछ नहीं इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं और भी ब्लॉग देता रहूं, आप लोगों के साथ जुड़ता रहूं, आप लोगों को मेरा जो भी है अपडेट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इतना ही था आज का ब्लॉग, होप करता हूं आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। तो इसी के साथ आज करता हूं बाय बाय, टेक केयर, टाटा।